गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। यदि आप कार्तिक में स्नान कर रहे हैं अथवा नहीं भी कर रहे हैं तो इस महीने अपने पापों की अग्नि को भस्म करने हेतु आपको आकाश दीप अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याएं तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपको भगवान जनार्दन की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम सब मिलकर आकाश दीप के महत्व को सुनते हैं। कार्तिक महीना आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर होकर आकाश दीप का दान करता है वह सब लोगों स्वामी तथा सब संपत्तियों से संपूर्ण होकर इस लोक में सुख भोगता है, अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान इत्यादि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर एक महीने तक दीप दान करना चाहिए। यदि कंगूरे तक आपकी पहुंच ना हो तो आप अपने घर की छत पर, अपने घर के मंदिर के कंगूरे पर अथवा अपने से एक हाथ ऊपर उठकर इस आकाश दीप का दान कर सकते हैं। इस दान को करते समय आपको यह मंत्र पढ़ना है, दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय चय नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अर्थात मैं सर्वस्वरूप विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। व्रती का प्रातःकाल स्नान और पूजा का क्रम नियम पूर्वक चलता रहे। मास की समाप्ति पर आकाश दीप के नियम को भी समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और इस अमित फलदायी व्रत का समापन करें। जो कीट कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप का दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता। प्राचीन काल में राजा धर्मचंद ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक का गमन किया। जो कार्तिक महीने में हरिबोधिनी एकादशी को भगवान के श्री विग्रह के समक्ष कर्पूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान के प्रिय बन भगवान के पास निवास करते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से भगवान की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप प्रारंभ करना उत्तम है। इस महीने यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं और इस मंत्र का जाप करते हुए आकाश दीप का दान करते हैं तो आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। नमः पितृव्य प्रेतेभ्यो नमः, धर्माय विष्णवे नमो, यमाय रुद्राय कांताराय पतये नमः। अर्थात पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्मस्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथों में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीपदान करते हैं उनके पितर यदि नरक में हो तो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति देवालय में, नदी के तट पर, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप देता है उसे सर्वतोमुखी उन्नति प्राप्त होकर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण अथवा अन्य किसी भी जाति के लोग मंदिर में दीपदान करें तो भगवान का अनुग्रह पाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कार्तिक महीने में अपने पितरों के निमित्त तथा अपने जीवन की सुरक्षा हेतु आकाश दीप का दान करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।